इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब इंडिया टीवी पर वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, एलजेपी में फूट के बाद फैमिली ड्रामा शुरू हो गया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान अपने नाराज चाचा को मनाने के लिए दिल्ली स्थित उनके घर पहुंच गए हैं। चिराग पासवान खुद गाड़ी चलाकर अपने चाचा के घर पहुंचे, लेकिन पशुपति पारस ने 10 मिनट तक अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। अब गेट खुल गया है और चिराग पासवान अपने चाचा के घर के अंदर चले गए हैं। एलजेपी के 5 सांसद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान से बेहद नाराज हैं। उन्होंने चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला कर लिया है और इस बगावत की अगुवाई चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपको बता दें, जब पशुपति पारस खुद मीडिया के सामने आए और कहा कि 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी है, 5 सांसद ही असली एलजेपी है। आपको बता दें कुल 6 ही सांसद है, एक चिराग पासवान को आप और मिला ले तो कुल 6 सांसद है, 5 अलग हो गए, यानी चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं। एलजेपी अब एनडीए के साथ रहेगी, चिराग चाहे तो एलजेपी में रह सकते हैं। एलजेपी में टूट हो गई है और अब चिराग पासवान जिनके खिलाफ ये बगावत हुई है वो खुद अपने चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे हैं और चिराग खुद इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और पिछले 4 मिनट से वो हॉर्न दे रहे हैं लेकिन इस घर का गेट नहीं खुल रहा है। और यहाँ पर जो उनके चाचा है रामचंद्र पासवान, कुछ देर पहले ही वो यहाँ से निकले हैं और यहाँ पर वो घर पे नहीं है, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान को इसका पता चला वो खुद गाड़ी ड्राइव करके यहाँ पहुंचे। उनके साथ उन्हीं की पार्टी के नेता राजू तिवारी है। आप देखेंगे इतने देर से चिराग पासवान हॉर्न बजा रहा है लेकिन गेट जो है वो नहीं खुल रहा है। कुछ देर पहले ही पशुपति पारस जो है वो पिछले गेट से यहाँ से निकल गए, यानी कि हो सकता है कि उनको इस बात का अंदेशा था, इस बात की जानकारी थी कि चिराग यहाँ पर आएंगे। शायद यही वजह है कि आमना सामना ना हो उससे बचने के लिए पशुपति पारस इस घर से निकल गए हैं। लेकिन चिराग पासवान लगातार हॉर्न बजा रहे हैं और वो घर के अंदर गाड़ी की एंट्री के लिए गेट खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गेट नहीं खुल रहा है। जिस तरह से एलजेपी में टूट हुई है, बगावत हुई है और एलजेपी के जो 5 सांसद हैं उन्होंने चिराग पासवान के खिलाफ ही बगावत का बिगुल बजा दिया। अब वो चिराग पासवान खुद उनको मनाने के लिए आए हैं और पिछले 5 मिनट से ये लगातार हॉर्न बजा रहे हैं लेकिन पशुपति पारस के घर का दरवाजा जो है वो नहीं खुल रहा। कैमरा पर्सन बलराम के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। बड़ी हैरान कर देने वाली ये तस्वीर है। चाचा और भतीजे के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि चिराग पासवान बीते 20 मिनट से दरवाजे पर खड़े हुए हैं लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। जबकि अब से थोड़ी देर पहले ही पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये पार्टी टूटी नहीं है, पार्टी को बचाया गया है। की आपको 20 मिनट वेट करना पड़ा घर के अंदर आने के लिए। चिराग की तबीयत भी काफी खराब, आपकी कार्यशैली पर आपके चाचा ने साजिश है। चिराग की साजिश है, चिराग चिराग आप और तबीयत कुछ खराब, आपके चाचा ने आपकी साजिश है। चिराग इसके पीछे किसी की कोई साजिश है? चिराग इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग चिराग इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग कोई साजिश नहीं हो रहा है इसके पीछे। चिराग तो आपने देखा कि आनंद आप वहीं पर हैं मौजूद। अब चिराग पासवान ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द तक नहीं बोला उन्होंने। 40 मिनट आनंद, चिराग पासवान से इतने सवाल पूछे गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बड़ी हैरान कर देने वाली स्थिति, जहां 20 मिनट तक घर के दरवाजे के बाहर खुद भतीजा खड़ा हो और चाचा दरवाजा ना खोले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद चिराग पासवान आखिरकार भीतर गए हैं और अब देखना यह होगा जब वो अंदर से बाहर लौटते हैं तो क्या वो मीडिया से बात करते हैं, क्या दूरियां कुछ कम हो पाएंगी। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। अब से थोड़ी देर पहले ही पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं है, पार्टी बचाई है। और चिराग पासवान को भी उन्होंने कहा कि वो भी आए, वो भी हमारे साथ रहें।
लेकिन एक बात तो तय है कि चिराग पासवान से ये नाराजगी, ये दूरियां उस वक्त से चल रही थी जब से बीजेपी से अलग हुई थी एलजेपी। संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बड़ी हैरान करने वाली स्थिति, 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद दरवाजा खुला है। जी देखिए, ये जो मेन गेट है पशुपति पारस का, ये गेट जो है 15 मिनट तक बंद रहा। बाहर चिराग पासवान थे, खुद वो ड्राइव करके आए थे, उनके साथ राजू तिवारी उस गाड़ी में बैठे थे। 15 मिनट तक चिराग पासवान यहीं गाड़ी में बैठ के लगातार हॉर्न देते रहे और 15 मिनट बाद ये जो मेन गेट है वो खुला। उसके बाद चिराग की गाड़ी, ये सामने जो नजर आ रही है चिराग की गाड़ी है और इसी पे लोकसभा का स्टिकर लगा हुआ, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर यही गाड़ी जाती है। और फिर 15 मिनट यहाँ पर मेन गेट के अंदर यहाँ पर चिराग पासवान गाड़ी में बैठ कर वेट करते रहे, 15 मिनट बाहर, 15 मिनट यहाँ। और इस बीच में 3 बार उन्होंने राजू तिवारी को भेजा कि जाकर देखो ये वाला गेट खुला है कि नहीं। 3 बार राजू तिवारी आया, उन्होंने चेक किया कि गेट बंद था। बाद में लगातार वो फोन करते रहे और 15 मिनट यहाँ इंतजार करने के बाद ये गेट खुला, जिसके बाद चिराग अभी जस्ट अंदर गए हैं। हालांकि पशुपति पारस, जो कि उनके चाचा भी हैं और सांसद भी हैं और जिनको अब लोकसभा के अंदर एलजेपी का नेता बनाने की मांग की गई है 5 सांसदों द्वारा, वो इस घर पर मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि शायद पशुपति पारस को इस बात का अंदाजा हो गया था, उनको जानकारी मिल गई थी कि उनको मनाने के लिए चिराग पासवान आने वाले हैं, इसलिए चिराग पासवान के आने के कुछ देर पहले ही पशुपति पारस यहां से निकल गए थे। हालांकि अभी चिराग पासवान अंदर हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि पशुपति पारस अगर घर लौटते हैं तो उनसे वो शायद वजह पूछेंगे कि परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर इस बड़ी बगावत की वजह क्या है। हालांकि पशुपति पारस ने जैसे कि मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 99% से ज़्यादा एलजेपी कार्यकर्ता चाहते थे कि वो एनडीए के अंदर ही रहे, लेकिन चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी और एनडीए से अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो जाहिर तौर पर परिवार के अंदर तो बगावत है ही है, पार्टी के अंदर भी बगावत है और ऐसा लगता है कि अब चिराग पासवान अपना सियासी यहाँ पर अस्तित्व बचाने के लिए और परिवार को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि पशुपति पारस जो कि घर के बाहर गए हैं वो लौटे तो उनसे बातचीत करें, उनको मनाने की कोशिश करें। तो आनंद, ये राजू तिवारी वही नेता हैं जिनकी वजह से चिराग पासवान को अपने भाई प्रिंस की नाराजगी झेलनी पड़ी, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष के पद सौंपने की बात आई थी तब प्रदेश अध्यक्ष का पद भले ही प्रिंस को सौंपा गया था लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी को बना दिया गया। बहुत सारी वजह रही है कि अपने उनसे नाराज हो गए। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि जो चिराग पासवान जिस तरह से एलजेपी को चला रहे थे और बार बार उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है उनके करीबी सहयोगी जो कि उनके राजनीतिक सलाहकार भी जिनको माना जाता है उनका नाम लेते हैं कि विधानसभा के चुनाव के दौरान टिकट बांटने में धांधली की गई, अपने ही नेताओं से परिवार के लोगों से पैसे मांगे गए टिकट देने की एवज में, तो तमाम ऐसे आरोप थे और इन तमाम आरोपों पर चिराग पासवान ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। और ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो कार्यशैली थी वो ठीक नहीं थी, बार बार उनको आगाह करने की कोशिश की गई। जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे तब तक तो पार्टी जैसे तैसे चलती रही, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद उनको लगा कि अब चिराग पासवान पार्टी नहीं चला सकते, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में पशुपति पारस जो कि लंबे समय से बताया जा रहा काफ़ी समय से रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद से वो जेडीयू के लगातार संपर्क में थे, उन्होंने चिराग के कई फैसलों पर सवाल भी उठाया था, यहाँ तक कि उन्होंने पशुपति पारस ने एक बार अपने लेटर हेड से एक आदेश भी जारी किया था जिसको चिराग के यहाँ से फोन आया उसको वापस लेना पड़ा था। तो उनको जाहिर तौर पर उनके पार्टी के अंदर उनको लग रहा था कि रामविलास पासवान के जाने के बाद पार्टी के अंदर उनकी ना उनकी पूछ नहीं रही है, उनकी जो हैसियत हुआ करती थी वो नहीं रही, लिहाजा उन्होंने बाकी सांसदों से बात की और जब उनको लगा कि बाकी सांसद भी उनके ही पक्ष में हैं उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो उन्होंने लोकसभा स्पीकर से कल मिलकर उनको खत दिया और एलजेपी क्या लोकसभा के अंदर नेता बनाने के लिए पशुपति पारस को बनाया जाए इस मांग के साथ लोकसभा स्पीकर को खत दिया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि वो चुनाव आयोग से भी जल्द मिलने वाले हैं और उनसे भी ये मांग रहेगी कि जो ये गुट अलग हुआ है जो कि 6 में से 5 सांसदों का गुट है उसे ही असली एलजेपी माना जाए। आनंद, आप आसपास का माहौल भी थोड़ा दिखाएं और साथ ही ये भी बताएं कि क्या केवल चिराग पासवान के राजनीतिक फैसले ही इस परिवार के टूट की वजह बने हैं या पार्टी के टूट की वजह बने हैं या फिर इसमें जेडीयू के नेताओं की भी भूमिका रही है। जी देखिए, जाहिर तौर पर जेडीयू की इसमें भूमिका जरूर रही है क्योंकि बिहार विधानसभा में जिस तरह से
चिराग पासवान उसके पहले लगातार ये कोशिश की गई कि पूरा जेडीयू एकजुट होकर चुनाव के अंदर जाए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चिराग की महत्वाकांक्षा अलग थी और उन्होंने इस मामले में अपने पिता यानी कि रामविलास पासवान की भी नहीं सुनी और उन्होंने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। वो बार बार ये कहते रहे कि वो एनडीए में है, लेकिन उन्होंने एनडीए को नुकसान पहुँचाया और जो जेडीयू की सीटें कम हुई और आरजेडी की सीटें बढ़ी उसके पीछे भी राम चिराग पासवान के इसी फैसले को बताया गया और उसके बाद से उनके खिलाफ पार्टी के अंदर ये जो है बगावत के सुर धीरे धीरे उठ रहे थे। चिराग को शायद इस बात का अंदेशा था, लेकिन चिराग ने फिर भी उन बगावती सुरों को या जो नाराज थे उनको मनाने की कोशिश नहीं की और यहाँ तक कि जब घर का अपना घर का आदमी पशुपति पारस जो कि उनके अपने चाचा है वो उनको भी आप नहीं मना पाते हैं, उनकी भी नाराजगी आप नहीं दूर कर सकते हो, आपके अपने चचेरे भाई जो कि सांसद है प्रिंस राज उनकी आप नाराजगी दूर नहीं कर सकते हो, उनको आप मना के नहीं रख सकते हो, तो आप इस पार्टी को कैसे चला पाओगे? ये सवाल लगातार कार्यकर्ताओं के अंदर और पार्टी नेताओं के अंदर उठ रहे थे और जिसके बाद धीरे धीरे करते करते इस बगावत को जाहिर तौर पर जेडीयू के संपर्क में थे, जेडीयू ने भी इसको हवा दी और अब जब लगा कि सही मौका आ गया है तो उन्होंने एक साथ ये झटका दिया और यहाँ से 6 में से 5 सांसद जो है वो चिराग पासवान से बगावत करके उन्होंने अलग होने का ऐलान कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार आनंद इस वक्त पशुपति पारस के घर से जुड़े हुए हैं। हालांकि आप लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि चिराग पासवान कुछ बोलते, लेकिन उनकी चुप्पी बता रही है कि वो चारों खाने चित हुए हैं। जी, एक वजह यह भी उनकी तरफ से तर्क दिया जा सकता है कि चिराग पासवान पिछले महीना एक महीने से बीमार चल रहे थे, उनको कोरोना भी हो गया था और अगर आपने गौर किया होगा जो हमने तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की उनको दाहिने हाथ में कैडुला भी लगा हुआ था यानी कि जो कि इंट्रावीनस फ्लूड के लिए लगाया जाता है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे थे जो यहाँ पे मौजूद थे कि हो सकता लगता है कि ये तत्काल यानी कि अभी आज ही लगाया गया है, तो हो सकता है कि आप इमोशनल एक रिक्वेस्ट करने के लिए आए हों वो अपने चाचा के पास, ये कहें कि मैं एक महीने से बीमार था, पार्टी के मैटर्स पर मैं ध्यान नहीं दे पाया, आप लोगों की नाराजगी दूर नहीं कर सका, मुझे एक मौका और दीजिए। तो ये तमाम बातें हैं जो सियासी बातें भी हैं और कुछ पारिवारिक बातें भी हैं, हो सकता है उनका हवाला दे चिराग पासवान, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पशुपति पारस उनसे मुलाकात करे, उनसे बात करे, लेकिन पशुपति पारस घर पर नहीं है और इस बात की उम्मीद कमी है कि घर पर आए, क्योंकि अगर उनको चिराग पासवान से मिलना होता तो घर से बाहर नहीं जाते। चिराग के आने के 5 से 10 मिनट पहले पशुपति पारस एक और गेट है इस घर का, वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर वो बाहर निकल गए, तो ये बताता है कि पशुपति पारस चिराग पासवान का सामना नहीं करना चाहते, उन्होंने जो फैसला कर लिया है ऐसा लगता है कि वो उससे हटना नहीं चाहते हैं। आनंद, आप एक बार फिर से ये जानकारी दें, क्या पशुपति पारस को इस बात की जानकारी थी कि चिराग पासवान उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और इसलिए चिराग पासवान के आने से पहले ही वो घर से चले गए, या वो इधर आए हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस निकल गए, ये एक कोइंसिडेंस है? जी देखिए, ऐसा लगता है कि पशुपति पारस को ये जानकारी थी कि वो आने वाले हैं, हो सकता है कि चिराग पासवान ने ये आने के पहले खुद या फिर अपने सहयोगी से उनको फोन कराया होगा, इस बात की ज़्यादा वो चांसेज हैं कि चिराग पासवान खुद लगातार पशुपति पारस को फोन करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे होंगे और जैसे ही पशुपति पारस को पता चला होगा कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, हो सकता है चिराग घर पर आ जाए, तो इस आमना सामना न हो इससे बचने के लिए पशुपति पारस यहाँ से निकल गए। चिराग पासवान के यहाँ पहुँचने के ठीक 10 मिनट पहले ही पशुपति पारस यहाँ से जो अपनी गाड़ी थी उन्होंने दूसरे गेट से गाड़ी को निकाला और चले गए और उनके निकलने के बाद लगभग 10 मिनट बाद चिराग पासवान खुद यहाँ गाड़ी ड्राइव करते हुए आए। ये बताता है कि पशुपति पारस नहीं चाहते थे कि उनके भतीजे और उन सांसद और पार्टी के फिलहाल जो अध्यक्ष है चिराग पासवान उनका सामना सामना हो और हो सकता है कि पशुपति पारस ने जो फैसला कर लिया है अब वो उसे पीछे नहीं जाना चाहते हैं, इस वजह से भी वो चिराग के किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, उनसे आमना सामना करने को तैयार नहीं है और हो सकता है कि उनको मालूम था चिराग पासवान जब उनसे मिलते तो अपने पिताजी की दुहाई देते, पार्टी की दुहाई देते, परिवार की दुहाई देते, तो इन तमाम बातों से बचने के लिए चिराग पासवान से आमना सामना ना हो, उनकी बातों को ना सुनना पड़े वो पशुपति पारस चिराग के जाहिर है पार्टी तो टूटी ही, पार्टी में तो बगावत हुई ही, परिवार भी टूटा। आप बने रहिए हमारे साथ, अब आपको बताते हैं दर्शकों को कि चिराग पासवान अपने चाचा के घर आखिर पहुंचे क्यों हैं। इससे पहले पशुपति पारस ने बयान दिया था, हमारे दल में 6 विधायक 6 सांसद हम लोग हैं, 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए, तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ,
मैं पार्टी को बचाया हूं और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको चिराग पासवान जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी छोड़ा नहीं हूँ, पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आ गए रहें। जो लोग भी किसी कारणवश नाराज होकर हमारी पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफी मांगता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए के साथ था और मैं आज ही हूँ, मैं गठबंधन में रहूँगा, गठबंधन धर्म का पालन करूँगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में मानता हूँ। तो वही नीतीश कुमार जिनकी आलोचना कर रहे थे पूरे बिहार चुनाव के प्रचार में, चिराग पासवान नीतीश कुमार की आलोचनाओं पर चुनाव लड़ रहे थे, आज पशुपति पारस खुद ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है। इसलिए कई बार ये संदेह होता है अनंत कि राजनीति में जो कुछ चल रहा होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, सिर्फ वही नहीं है बल्कि नेपथ्य में एक माइंड गेम भी चल रहा होता है। और ऐसे में लगता है कि जैसे ये माइंड गेम जेडीयू का है। क्या नाम था लेना? बिल्कुल, जाहिर तौर पे जेडीयू इस बात को नहीं पचा पाई अभी तक कि जो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे उनके चलते बिहार के चुनाव में जेडीयू को इतना बड़ा डेंट लगा और उनकी सीटें जो है आरजेडी से भी कम होगी। और जैसा कि नीतीश कुमार की कार्यशैली को जो लोग जानते हैं, वो लगातार इस बात में थे कि एलजेपी के जो सांसद और विधायक उनको अपने पाले में लिया जाए, और यही वजह है कि जो उनके विधायक जीते थे उनको भी अपने साथ मिला लिया। उनकी नज़र थी कि चिराग पासवान को और कमज़ोर किया जाए, और इसी कड़ी में ये जो अगला उनका जो कदम हमको नज़र आ रहा है कि 5 सांसद जो एलजेपी छोड़कर उन्होंने एक अलग गुट बना लिया, वो चाहो कह रहे कि एलजेपी असली एलजेपी वही है, इसके लिए बाकायदा स्पीकर को खत भी दे दिया गया है। और पशुपति पारस की हम बात करें तो पशुपति पारस पहले भी नीतीश कुमार की कभी उन्होंने खिलाफत नहीं की, पहले भी चुनाव के दौरान भी उनके ऐसे बयान आए कि उन्होंने नीतीश कुमार की और उनके शासन के तरीके की तारीफ की थी। हालांकि चिराग पासवान पूरे चुनाव में लगातार ये कहते रहे कि जैसे ही बिहार में सरकार बनेगी नीतीश कुमार को जेल भेजा जाएगा, और तमाम आरोप उन्होंने लगाए। और ये जो आरोप और जो इन्होंने कैंपेन किया वो बड़ी वजह थी कि कई सीटों पर उन्होंने जेडीयू को डेंट किया। और अब जब नीतीश कुमार को लगा, जेडीयू को लगा कि मौका मुफीद है, रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, चिराग पासवान की कार्यशैली से उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है, तो उनको सही मौका लगा और उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि अभी भी जेडीयू के नेता और पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि हम जेडीयू में नहीं जा रहे, हम एनडीए में, लेकिन आज शाम तक या कल क्या हो कोई नहीं जानता, हो सकता है कि 5 सांसद जेडीयू में विलय कर जाए और पूरी पार्टी जेडीयू में विलय कर जाए। बहुत बड़ी संभावना आप जता रहे हैं, जो 5 सांसद छिटक कर अलग हुए हैं। हालांकि पशुपति पारस तो इस लिहाज से आनंद ये कह रहे हैं कि पार्टी तो उन्होंने बचाई है, इसलिए पार्टी के सांसद वहां जाके जेडीयू में मिल जाएं, इसकी संभावना फिलहाल तो कम नजर आती है। लेकिन अगर बिहार की हम बात करें, बिहार की राजनीति की हम बात करें, तो आज की तारीख में एलजेपी के कार्यकर्ता या एलजेपी के बड़े नेता इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आपके पास क्या कोई जानकारी वहां से आ पा रही है? जी देखिए, अभी एलजेपी का कोई बड़ा नेता बात करने को तैयार नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पशुपति पारस ने बात की या फिर जो पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार उन्होंने बात की, और इन दोनों ने ही कहा कि जो चिराग पासवान की कार्यशैली है वो ठीक नहीं है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसका सम्मान नहीं कर पा रहे। एनडीए के खिलाफ जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, जबकि पार्टी के 99% कार्यकर्ता चाहते थे कि एनडीए में के साथ रहकर और चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले कुछ समय से कई महीनों से पार्टी के अंदर ही मरमरिंग चल रही थी, नाराजगी स्वर उभर रहे थे। पशुपति पारस को लेकर पहले भी ये बात कही गई थी, 4-5 महीने पहले भी, कि वो जो है
चिराग पासवान का जो नेतृत्व है उसके नीचे काम करना वो खुद को असहज पा रहे हैं। प्रिंस राज जो कि एक टाइम पर चिराग पासवान के बहुत करीबी थे, उनके चचेरे भाई हैं, वो भी अब अपने आप को असहज पा रहे थे। और यहाँ तक कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जहाँ से रोसड़ा से प्रिंस राज के भाई चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन ये कहा गया था उनसे भी ये कहा गया कि पार्टी फंड के नाम पर कुछ पैसा दे दीजिए। तो जाहिर तौर पर तमाम आरोप लगे और इसमें चिराग पासवान के साथ साथ उनके जो कुछ सलाहकार हैं उनका बीच में नाम आया। चिराग पासवान ने तमाम शिकायतों को दरकिनार किया, उन्होंने पार्टी भी नहीं बचा पाए और परिवार को भी वो नहीं बचा पाए। और जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो अंदर हालांकि पहुंचे हुए हैं पशुपति पारस के घर पर, पशुपति पारस है नहीं, इंतजार कर रहे हैं कि एक बार आए, चाचा से पूछे कि आखिर चाचा आपने ये क्यों किया और आखिर आपको कोई वजह थी नाराजगी थी हमसे कहते, लेकिन उनके चाचा किया, ये तो समझ में आ रहा है आनंद, लेकिन अब आगे क्या होगा इसकी संभावनाओं पर बात करना होगा। और सबसे पहले अगर हम चिराग पासवान की बात करें, संसदीय दल के नेता तो वो रहे नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी उनके पास रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर आपके पास क्या जानकारी? देखिए अभी चिराग पासवान संसदीय दल के नेता हैं और पशुपति पारस की अगुवाई में जो एलजेपी के संसदीय दल का नेता पशुपति पारस को बनाने के लिए जो स्पीकर को खत दिया गया, अभी उससे फैसला नहीं हुआ, यानी कि जब तक फैसला नहीं हो जाता, स्पीकर मुहर नहीं लगाते, तब तक चिराग पासवान ही लोकसभा के अंदर एलजेपी के संसदीय दल के नेता रहेंगे। हालांकि एक प्रक्रिया होती है कि जैसे ही कोई खत मिलता है लोकसभा स्पीकर को तो वो संसदीय कार्य मंत्रालय के अंदर एक कमेटी है, उस कमेटी को वो लेटर चला जाता है, वो कमेटी जो है उस लेटर को पढ़कर और जो नियम कानून है उसके मुताबिक ये फैसला करती है। और जो उस कमेटी के पास अगर लेटर जैसे बताया गया कि भेजा जा रहा है, वो कमेटी अगर तय कर देगी पशुपति पारस संसदीय दल के नेता होंगे एलजेपी के, तो फिर चिराग पासवान हट जाएंगे और पशुपतिनाथ पारस उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और रही बात पार्टी की, तो उसके लिए आपको चुनाव आयोग को एक खत देना पड़ता है और उसके लिए पूरी प्रक्रिया है, आपको कार्यकर्ताओं के सांसदों के भी आपको मंजूरी लेनी होती है और सारे खत और सारे सबूत जो है आपको चुनाव आयोग को देने पड़ते हैं, फिर चुनाव आयोग ये तय करता है कि असली एलजेपी कौन है। और उसमें अभी वक्त है, हालांकि इन्होंने चुनाव आयोग कभी पशुपति पारस की तरफ से कोई खत नहीं दिया गया, लेकिन जैसा बताया जा रहा है जल्द ही चुनाव आयोग को भी ये खत दे दिया जाएगा। और अगर ये दोनों ही बातें ये प्रक्रिया पूरी हो गई, यानी कि पशुपति पारस एलजेपी संसदीय दल के नेता हो गए लोकसभा में, और आनंद आपको मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।